Hello aspirant, so in today's class we will deal with the topic of tribal beverages. Further we will deal with the topic of painting, folk paintings of tribes, and at the last we will deal with the crafts of all the left crafts and the tribes which are associated with that type of crafts. So the very important topic first we will start is tribal beverages. The first tribal beverage is sulfi. देखिए आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसमें याद क्या रखना है, आपको क्वेश्चन में पूछेगा सल्फी कौन से ट्राइब के द्वारा पिया जाता है या कंज्यूम किया जाता है ट्राइबल बीवरेज. ठीक है, तो सल्फी इज कंज्यूम बाय मुड़िया ट्राइब, मुड़िया और माड़िया, यू कैन से माड़िया. ठीक है, सेकेंड, अब ये सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, ये हो गया. अब ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, बनता किससे, तो ये फोटो आप देखिए, ये जो मैंने इमेज डाल रखी है ये आपको दिख रही है कौन सी, पाम ट्री, दिस इज पाम ट्री, आपको दिख रहा है पाम का ट्री है, और इसमें देखिए हंडी लगाई हुई है इन्होंने, और ये जो एक ट्राइबल है ये माड़िया ट्राइब के आदमी है, ये यहाँ पे हंसिया से काट रहे हैं सिक्कल से, और यहाँ पे जो है पाम ट्री का जो रस है, जो लिक्विड है, वो यहाँ पे रखा निकल जाएगा. एंड दिस इज वॉट सल्फी इज, दैट इज कंज्यूम्ड बाई माड़िया ट्राइब. सो द सेकेंड थिंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम ट्री, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, पाम ट्री, तो कौन से ट्री से निकलता है पाम ट्री, कौन सा ट्राइब कंज्यूम करता है, मुड़िया ट्राइब, माड़िया ट्राइब. ठीक है, द सेकेंड वन इज ताड़ी. ठीक है, ताड़ी कंज्यूम बाय बैगा, बैगा कम्युनिटी, बैगा ट्राइब, इट इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम एंड ट्रंक ट्री, पाम एंड ट्रंक ट्री. ठीक है, ट्रंक ट्री. ठीक है, द थर्ड बिवरेज कंज्यूम बाय द उराव ट्राइब इज कोसमा. कोसमा इज कंज्यूम बाय उराव ट्राइब. उराव ट्राइब कहाँ मिलता है, जसपुर वाले इलाके में मिलता है, मैंने बताया था आपको, द मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़. फर्दर द फोर्थ वन इज पेज. पेज इज कंज्यूम बाय गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब, इट इज मेड फ्रॉम राइस, फ्रॉम राइस. ठीक है, जो राइस जो आप लोग देखे होंगे, जो घर में उबालते हैं कई बार राइस को, स्टीम्ड राइस नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो कुकर में बना हुआ राइस नहीं, जो गांव में बनता है जनरली, पहले के टाइम पे बना करता था, पानी रहती थी, यही पानी जो होता है ना, पसिया इसको हिंदी में बोला जाता है, यही पसिया से ये पेज बनता है. ठीक है, तो ये कौन बनाता है, गोंड ट्राइब, किससे बनता है, राइस से बनता है. ठीक है, फर्दर द फिफ्थ वन इज हणिया. हणिया, हणिया इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइस, बट ये जो है राइस से के पानी से बनता है उबालने के बाद, और ये जो है आपका जो पीसा हुआ राइस होता है ना, जो चावल आटा बोलते हैं हम, चावल आटा, उससे बनता है. तो ये कौन बनाता है, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा. द बेसिक डिफरेंस क्या है हणिया और पेज में, पेज जो है पसिया से बनता है, और पहाड़ी कोरवा किससे बनाता है, फ्रॉम राइस फ्लोर यू कैन से. ठीक है, राइस फ्लोर, आटा, फ्लोर को आटा बोलते हैं ना, फ्लोर. ठीक है, द सिक्स्थ वन इज लांडा. ये कौन से ट्राइब के द्वारा पिया जाता है, ये भी गोंड के द्वारा ही पिया जाता है. दिस बीवरेज इज मेड इन बस्तर एंड इट ऑल्सो मेड फ्रॉम राइस. ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या, छः के छः पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल बीवरेजेस हैं हमने देख लिए हैं. फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोक पेंटिंग ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, फोक पेंटिंग ऑफ छत्तीसगढ़, चलिए फोक पेंटिंग ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, अब इस टॉपिक में सबसे पहला हम पढ़ेंगे, दैट इज सवनाही. सवनाही पेंटिंग इज अ पेंटिंग दैट इज डन एट द टाइम ऑफ सावन अमावस्या. तो ये भी क्वेश्चन है पूछेगा कि किस टाइम पे, तो एट द टाइम ऑफ सावन अमावस्या. ठीक है, सावन के अमावस्या वाले दिन सवनाही किया जाता है. इसमें होता क्या है, सावन के अमावस्या वाले दिन क्या होता है, हरेली हम मनाते हैं कि हरेली, तो इसी दिन, इसी के टाइम पे हम लोग इसी अमावस्या में हम हरेली मनाते हैं, तो यहाँ सवनाही की पेंटिंग की जाती है. इसमें व्हाट इज दिस टाइप ऑफ पेंटिंग, तो इन दिस टाइप ऑफ पेंटिंग द फीमेल पीपल ड्रॉ नंबर ऑफ पिक्चर्स विद काउ डंग ऑन द वॉल ऑफ गेटवे ऑफ होम इन ओकेशन ऑफ हरेली. हरेली इज अ फेस्टिवल दैट कम्स एट द टाइम ऑफ सावन अमावस्या, द फर्स्ट अमावस्या ऑफ सावन. एट दैट डे हमने पढ़ा था ना कि हरेली के टाइम पे तांत्रिक शक्तियाँ बहुत पावरफुल हो जाती हैं, तो उनसे डील करने के लिए एज पर माइथोलॉजी, घर के मेन गेट के ऊपर, ये देखिए लड़की बना रही है, दीवार है, ये मेन दीवार है घर का, एंट्रेंस दीवार, इस जगह पे अलग अलग टाइप के देखिए ये पेंटिंग बना रही है. देखिए ये पेंटिंग से माना जाता है कि आपके घर को सेफ रखेगी. ठीक है, तो इट इज़ मेड ऑन द ओकेशन. यही है सवनाही पेंटिंग जो दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे ही बनाया जाता है. गांव में कभी आप जाएंगे हरेली के दिन, जाइए गांव के जगह पे, तो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. ठीक है, चलिए तो इसके बारे में, एट द टाइम ऑफ सावन अमावस्या, इसमें लिख लेते हैं,
फीमेल, देखिए ये जो लिख रहे हैं ना, ये मेंस में लिखने को आता है सब, राइट फोर मार्कर में आ जाएगा सब, ना ही पेंटिंग के बारे में लिखे तो आपको लिखना होगा यही चीज, फीमेल ड्रॉ नंबर ऑफ पिक्चर्स विथ काउडंग, ठीक है, विथ काउडंग ऑन द वॉल ऑफ गेटवे ऑफ होम, द एंट्रेंस गेटवे ऑफ होम ऑन द ओकेशन, इन द ओकेशन ऑफ हरेली, आई हैव टोल्ड यू किसके ओकेशन में, हरेली के ओकेशन में, ठीक है, सावन अमावस्या हरेली मेड बाय काउडंग, सारे क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं, ठीक है। फर्दर क्यों किया जाता है, बिलीफ मैंने बताया ना, विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट ऑन ओकेशन ऑफ होली, सॉरी हरेली, ऑन ओकेशन ऑफ हरेली, हरेली, सो सवनाही पेंटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द हाउस, इज डन टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम ट्रबल, ठीक है। तो ये यहां पे हमारा सवनाही पेंटिंग खत्म होता है। सेकेंड पेंटिंग, द इंपॉर्टेंट पेंटिंग इज आठे कन्हैया, आठे कन्हैया को हम जन्माष्टमी वाले दिन, जन्माष्टमी को ही हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में आठे कन्हैया कब मनाया जाता है, भादो के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है जन्माष्टमी। तो देखिए आपको मैं पहले फोटो दिखा देता हूँ, आठे कन्हैया ये हमारे कौन है, सीएम है, हम करंट सीएम मिस्टर भूपेश बघेल जी, ठीक है। तो ये देखिए आप ये किस पेंटिंग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये आठ लड़कियाँ दिख रही हैं, एक दो तीन, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये देखिए ये नाव है और ये ऐसा बहुत सुंदर सा पेंटिंग है। ये कहाँ बनाया जा रहा है, किचन में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यही है आठे कन्हैया पेंटिंग, आठ कन्हैया दिख रही हैं और ये जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, भादो कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में, ठीक है, जन्माष्टमी, छत्तीसगढ़ी जन्माष्टमी, इसी को जन्माष्टमी बोला जाता है, ठीक है, जन्माष्टमी। क्या बनाया जाता है, डिस्क्रिप्टिव पेंटिंग मेड विथ छुई क्ले, छुई क्ले क्या होता है, आप लोग पीली मिट्टी देखें, पीली मिट्टी कभी आप किसी के यहाँ जब बोरवेल हो रहा होगा तो देखिएगा कई जगहों पे पीली मिट्टी निकलती है, दैट इज छुई, मेड विथ, मेड विथ विथ छुई क्ले, ठीक है, क्ले। कहाँ बनाया जाता है, तो ऑन किचन। क्या बनाया जाता है, तो मैंने दिखाया एट डॉल, अलग अलग डॉल दिख रही थी आपको, तो एट डॉल आर मेड बाय वुमेन, किसके द्वारा, तो वुमेन के द्वारा, ठीक है, एट डॉल, ठीक। फर्दर नेक्स्ट पेंटिंग, द थर्ड वन इज नोडोरा। ये पेंटिंग जो है आपके, जब नए घर, नया घर बनता है किसी का, तो आप लोग देखे होंगे हाथ का निशान बनाए होते हैं उसमें, ऐसे हाथ का निशान बना होता है, ऐसा 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 बना होता है, दो हाथ का निशान ऐसा, देखिए हाथ अच्छा नहीं बना पा रहा हूं मैं, ऐसे हाथ का निशान, दो छप्पा। कौन बनाता है इसको, आपके यहाँ कभी नया घर बना होगा देखे होंगे, बुआ होगी आपकी वो बनाएगी, या फिर कजिन होगी आपकी कोई वो बनाएगी, या फिर कोई भाभी होगी आपकी वो बनाएगी। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, नोडोरा, कजिन भाभी इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जो ये सारे, इन सब लोग शादियों के टाइम क्या काम कर सकते हैं, सुहासिन का काम कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, उन्हीं लोग हैं जो नोडोरा में ये जो आपका पेंटिंग है हाथ का थाप लगाते हैं, वो इन्हीं लोग होते हैं। कब मनाया जाता है, ऑन द ओकेशन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ न्यू हाउस और एनी गुड ऑस्पेशियस ओकेशन, किसी भी अच्छे ओकेशन में भी मनाया जा सकता है। किसके द्वारा, क्या रहता है इसमें, राइस फ्लोर रहता है इसमें, ठीक है, राइस फ्लोर रहता है, हैंड प्रिंट बनाया जाता है, राइस फ्लोर में थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं तो हैंड प्रिंट बनाते हैं उसका, ठीक है, आप सब लोगों ने देखा ही होगा ये। फर्दर द फोर्थ वन इज हाथा, हाथा। तो ये जो हाथा पेंटिंग है ना, वो ऐसी पेंटिंग कुछ होती है, देखिए आप लोग दीवार गाँव में कहीं रहे होंगे तो ऐसा आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे, देखिए ऐसा, ठीक है, ऐसा रहेगा आपका पेंटिंग, ये एक कलर हो गया, फिर ऐसे ही दूसरा कलर रहेगा इसमें, ठीक है। ये राउत जो वुमेन होती है ना, राउत वुमेन वो बनाती है इन पेंटिंगों को, ऐसा बना होता है, देखिए ये देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सबने देख रखा होगा इसको, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है पेंटिंग, हाँ, तो ऐसा ही ये पेंटिंग रहता है। तो ये माहूर और घी जो होता है ना, रेड, रेड कलर का माहूर होता है, माहूर रेड, मैंने येलो बना, ये रेड रहना चाहिए एक्चुअली, और एक और कलर, तो राहू माहूर और घी से ये बनाते हैं इसको। और फर्दर ये जो आपका कब मनाया जाता है, दिवाली से लेके जो टाइम होता है ना हमारा,
दिवाली से लेके किस तक का टाइम, जो आपका जिठौनी तक का टाइम होता है जिसको देवउठनी बोलते हैं, उस टाइम पे बनाया जाता है। और ये बनाते हैं ओनली बाई ओनली राउत वुमेन मेक हैंड मेड दिस डिज़ाइन फ्रॉम दिवाली टू देवउठनी। ये दिवाली से देवउठनी का टाइम क्या टाइम होता है, दिस इज द टाइम ऑफ राउत नाचा। तो ऑन टाइम ऑफ राउत नाचा, मैंने बताया था ना आपको राउत नाचा, जब मैं बता रहा था आप लोगों को, ऑन द टाइम ऑफ राउत नाचा द राउत वुमेन गोज टू देयर ठाकुर हाउस फॉर सच ठाकुर टू देयर ठाकुर हाउस एंड मेक दिस पेंटिंग एंड मेक पेंटिंग। किस लिए बनाया जाता है, फॉर फॉर गुड ईयर, सुख समृद्धि के लिए बनाया जाता है कि आपका साल अच्छा हो। और ये किस, ये जो आपका पेंटिंग है किसके, क्या क्या रहता है इसमें, महूर घी, ऐसा ये दो चीज़ों से बनाया जाता है, ठीक है। फर्दर द फिफ्थ टाइप ऑफ पेंटिंग इज चौक या रंगोली। हर एक इंपॉर्टेंट काम, आपके घर सत्यनारायण की पूजा हो, शादी हो, आपके यहाँ कोई और पूजा, अघन गुरुवारी की पूजा हो, बिहाई का बिहार मैरिज के टाइम पे हो, आप देखे होंगे ऐसे ऐसे लाइन बनाए जाते हैं चौक, ऐसा ऐसा ये लाइन ऐसे वाइट कलर के आटा से ऐसा 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 ये ऐसा बनाया जाता है, इसके ऊपर पीढ़ा रखा जाता है, तो यही चौक है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंट चौक है हम वो पढ़ते हैं। चौक फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंसेप्ट क्या है, ये माता सीता ने सबसे पहले बनाया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीता चौक बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए टाइप ऑफ चौक क्या क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ चौक, तीन प्रकार के चौक हमको पढ़ने हैं, मैं इसमें पूछ सकता है। पहला है बिहाई चौक, ठीक है। सेकेंड वी हैव टू स्टडी छट्टी चौक, छट्टी कब बनाया जाता है, बच्चा के पैदा होने के बाद। एंड द लास्ट वी हैव टू स्टडी अघन गुरुवारी चौक, ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है गुरुवारी, हर गुरुवार के अघन के टाइम पे चौक, ठीक है। अब देखिए इस पे होता क्या है, जो बिहाई चौक होता है इट इज मेड ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, ये तो दिख ही रहा है, ओकेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। फर्दर इसमें क्या होता है, जो ब्राइड का हाउस होता है, ब्राइड मतलब लड़की वालों के हाउस में, और ये होता है ग्रूम का हाउस। तो लड़की वालों के साइड पे जब 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 जो आपका मायन का दिन होता है, दूसरा दिन जिस दिन खाना, मैंने बताया था आपको, खाना खिलाते हैं पूरे अपने गांव के लोगों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने सगा लोगों को, उस टाइम पे जो ब्राइड जहां ब्राइडल चौक जो बनता है उसमें पांच लाइन होती है, पांच, ये आपको याद रखना, फाइव, ठीक है, पांच लाइन का चौक, और ग्रूम की जगह पे सात लाइन का, एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन, ठीक है, ऐसे सात लाइन का चौक बनता है। किस दिन पे होता है ये दोनों चीजें, ये मायन के दिन होता है, ठीक है, मायन के दिन। तो ये आपका बिहाई चौक हो गया। सेकंड इज अ छट्टी चौक, ठीक है। छट्टी चौक में अब क्या होता है, छट्टी कब मनाया जाता है, ऑन बर्थ ओकेशन। तो ओकेशन आपको दोनों पूछ सकता है कि बिहाई चौक कौन से ओकेशन में, तो ऑन मैरिज, और छट्टी चौक का बर्थ के ओकेशन में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, छठवें दिन पे छट्टी बनाई जाती है, इस दिन छट्टी होती है, तो पांचवा जो दिन होता है फिफ्थ डे, उस दिन इवनिंग में क्या होता है हमारे यहाँ, काके पानी होता है, काके पानी, ठीक है। फर्दर इसमें क्या होता है, अब देखिए जो गोबर की लिपाई की जाती है चौक, अब राइस चौक बनाया जाता है, राइस वही लाइन बनाया जाता है उसमें, और इसके ऊपर पीढ़ा रखा जाता है, ठीक है, स्मॉल टेबल रखा जाता है आप बोल सकते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, छट्टी वाले दिन जो होता है आपका चौक बनाया जाता है, उसको हम लोग छट्टी चौक बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज अघन गुरुवारी। अब अघन कब आता है, अघन का मंथ आता है आपका हार्वेस्ट सीजन के बाद, हार्वेस्ट सीजन जब खत्म होता है उस टाइम पे आता है अघन, ठंडी का टाइम जो होता है आपका, ठीक है। अब जो अघन का टाइम होता है इस टाइम पे हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट के लिए हम लोग क्या रखते हैं, अघन गुरुवारी का लोग फास्ट रखते हैं। तो अब इसमें देखिए, अब अगर आपका गुड हार्वेस्ट हुआ है तो आपके यहाँ क्या आएंगी, लक्ष्मी आएंगी। तो इसमें लक्ष्मी जी का ऐसे फुट बनाया जाता है, देखिए ऐसा फुट बनाया जाता है ऐसा, ये देखिए आप देखे होंगे कहीं कहीं पे जिनके यहाँ अघन गुरुवारी मनाया जाता है, ऐसे दो फुट बनाए, ऐसे फुट बनाए जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द एंट्रेंस डोर टू द जगार हाउस। जगार हाउस जहाँ पे आपका क्या रखा जाता है, जहाँ पे ये धान काट के ला के रखा गया हार्वेस्ट को, वहाँ तक का पूरा अपने घर के एंट्रेंस से बनाया जाता है। ऐसे इसको माना जाता है क्या, लक्ष्मी जी का पैर, लक्ष्मी जी आ रही हैं, एंटर कर रही हैं। कब मनाया जाता है देखिए, अब चलिए अघन गुरुवारी, तो आफ्टर हार्वेस्ट सीजन, ठीक है, हार्वेस्ट, जब पैडी इज ब्रॉड टू होम, पैडी ब्रॉड टू होम, ठीक है। अब लाने के बाद कहाँ रखते हैं इसको, हम लोग ग्रेनरी में रखते हैं, ग्रेनरी कोठी जिसको बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में, वहाँ पे ला के रखा जाता है। तो अब पैडी जो है उसको माता लक्ष्मी मानी जाती है, ठीक है, पैडी जो है, पैडी इनको क्या माना जाता है, माता
लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी बोल सकते हैं जिनको आप। तो यहाँ पे चौक जो है बनाया था, चौक मेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द होम टू द ग्रेनरी कीपिंग, जगार जो होम होता है वहां तक आपका पूरा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये फुट ऑफ लक्ष्मी माना जाता है कि लक्ष्मी जी यहां तक आ रही है। तो यहां पर लिख सकते हैं चौक मेड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ होम टू ग्रेनरी, और इसको बोल सकते हैं पूजा रूम, पूजा रूम तक भी बनाते हैं इनका, ग्रेनरी नहीं है तो, ठीक है। या जगार रूम भी इसी को बोलते हैं, जगार रूम, ठीक है, जगार लक्ष्मी, जगार रूम। तो इससे क्या माना जाता है कि लक्ष्मी जी पूरा घर के अंदर तक आ रही हैं। तो हमने ये और सारे टाइप के आपके क्या पढ़ लिए हम लोगों ने, चौक पढ़ लिया है डिफरेंट डिफरेंट। अब आखिरी हम पढ़ते हैं क्या टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, चौक, हाँ, अब गोदना पढ़ लेते, टैटू पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। गोदना छत्तीसगढ़ी में जिसको बोला जाता है हमारे, गोदना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल कम्युनिटी। टैटूइंग इज वेरी डियर टू द वुमेन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन छत्तीसगढ़, ठीक है, स्पेशली अमॉन्ग द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक। फर्दर टैटू कब मनाया जाता है, टैटू इज ऑल्सो डन आफ्टर डेथ, ठीक है। देखो जीवित रहते तो बनाते ही हैं जब आप जिंदा हैं, बट आफ्टर डेथ भी मनाया जाता है टैटू को। इससे जिनके डेथ के बाद टैटू मनाया जाता है वो उनके गुड डीड्स को दिखाने के लिए होता है कि इन्होंने अच्छा काम किया था, बहुत अपने जीवन भर में बहुत अच्छा जीवन जिया है, ठीक है। फर्दर देखिए क्या लिख सकते हैं टैटू के ऊपर, गोदना के ऊपर, टैटूइंग इज डियर टू द वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ स्पेशली अमॉन्ग ट्राइबल वुमेन। देखो पूरे छत्तीसगढ़ में ट्राइब बहुत फेमस है ये, ठीक है, ट्राइबल वुमेन। ऐसा नहीं है कि ट्राइब्स ही बस बनाती, सब बनाते हैं, ठीक है। अब फर्दर देखिए, अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि टैटू आर्टिस्ट कौन कौन होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। फर्दर सबसे ज़्यादा टैटू लविंग ट्राइब कौन सा है, मैक्सिमम टैटू ट्राइब कौन सा है, तो ये क्वेश्चन है पूछता है, तो आई विल मेक दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। तो देखिए टैटूइंग आर्टिस्ट, टैटूइंग आर्टिस्ट, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा चार अलग अलग टैटू आर्टिस्ट हैं, जिसमें तीन जो हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं और एक है आपका ट्राइबल कम्युनिटी ओझा, जो कि वो ओझा ट्राइब जो है वो टैटूइंग ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ माना जाता है। तो पहले देखिए कुंजर, ये आपका ट्राइबल नहीं है ना, इसमें कन्फ्यूज नहीं है, SC है, ठीक है। बंजारा, बंजारा, ठीक है, ये भी SC है। फर्दर आपका और कौन है, देवार, ये तीन जो कम्युनिटी है इनका काम है क्या, टैटू बनाना। तो ये तीनों के तीनों, कौन कौन सी, कुंजर, बंजारा, देवार, ये पूरे छत्तीसगढ़ में टैटू बनाते हैं। एंड द ओनली ट्राइब विच मेक्स टैटू इज कौन सा, ओझा, गोंड, गोंड ट्राइब के होते हैं ओझा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके टैटूइंग आर्टिस्ट, ठीक है, ये सारे हो गए। अब मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब कौन सा है, मोस्ट टैटू ट्राइब अलग हो गया और मोस्ट टैटू लविंग, सबसे ज्यादा प्यार किनको है ट्राइब से, ठीक है। तो बैगा इज द मोस्ट टैटूड लविंग ट्राइब एंड मैक्सिमम टैटूड ट्राइब, सबसे ज्यादा टैटू कौन से ट्राइब कराते हैं, तो इसमें आपका आएगा कमार, कमार, कमार ट्राइब जो है सबसे ज्यादा टैटू कराते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको मैंने बता दी। फर्दर ग्रीन कलर के होते हैं सारे टैटू, ठीक है, ब्लैक नहीं होते, ग्रीन कलर के होते हैं, कलर पूछेगा तो ग्रीन इन कलर टैटू जो है, ठीक है। फर्दर अब देखिए इसमें और दो दो चीजें मैं बताया तो आपको, बैगा जो कम्युनिटी है, बैगा गर्ल जो होती है ना, बैगा मोस्ट टैटूड लविंग ट्राइब है, इसमें 8 ईयर की जब होते हैं लड़कियां तब इनके हेड में किया जाता है टैटू, कहाँ, ऑन हेड, और जैसे ही ये 15 to 16 ईयर्स की होती है तो थाई में और पूरे शरीर में करा सकते हैं ये, ठीक है, ऑन थाई एंड ओवर होल बॉडी कहीं भी करा सकते हैं, ठीक है। फर्दर देखिए और एक होता क्या है आपका, झेला टैटू, ये जो है झेला टैटू आर इम्प्रिंटेड बाई फीमेल बैगाज ऑन देयर बॉडी, ये जो बैगा जो है ये मैंने 8 ईयर में आपको बता दिया, फिर थाई में भी करा सकते हैं। फर्दर झेला टैटू या टाइप ऑफ टैटू है ये, आर इम्प्रिंटेड, क्वेश्चन है पूछ देगा झेला टैटू कौन करवाता है, तो इम्प्रिंटेड बाई फीमेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला होना चाहिए मेल नहीं, फीमेल ऑफ बैगा, बैगा कम्युनिटी ट्राइब ऑन देयर बॉडी, कहाँ, ऑन देयर बॉडी, ठीक है। फर्दर कमार वुमेन जो है इनके साथ एक स्पेसिफिक चीज है कि ये पिकॉक बनाती है अपने शोल्डर पे, तो कमार वुमन, कमार कम्युनिटी, ये जो है देखिए ये कमार क्यों मैं बता रहा हूँ, बैगा स्पेसिफिक क्योंकि मोस्ट टैटूड लविंग ट्राइब है, मोस्ट टैटूड ट्राइब है, ठीक है। द कमार कम्युनिटी वुमेन द मोस्ट टैटूड ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ गेट पिकॉक, पिकॉक, एक सेकेंड,
tattooed on their shoulder, कहाँ पे? कंधे पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं ट्राइब से रिलेटेड ऑलमोस्ट। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक टॉपिक अब आखिर देखते हैं, वो टॉपिक क्या है? दिस टॉपिक इज फोक क्राफ्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, फोक क्राफ्ट। अब इसको खत्म करते हैं हम जल्दी से, फोक क्राफ्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अब फोक क्राफ्ट में सबसे पहला क्राफ्ट हम लोग पढ़ेंगे बैम्बू क्राफ्ट, ठीक है, बैम्बू क्राफ्ट। अब बैम्बू क्राफ्ट में आप देख सकते हैं बैम्बू क्राफ्ट जो है ये कौन से ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो बैम्बू क्राफ्ट इज डन बाय कमार ट्राइब, इट इज अ मेन वर्क ऑफ कमार ट्राइब, ठीक है, मेन वर्क है इनका, ठीक। फर्दर बसोड़ फैमिली, अ वेरी फेमस फैमिली, इट इज अ मोस्ट फेमस फैमिली ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू बैम्बू क्राफ्ट, ठीक है, मोस्ट फेमस फैमिली, मोस्ट फेमस फॉर बैम्बू क्राफ्ट इन छत्तीसगढ़, बैम्बू क्राफ्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। अभी बसोड़ फैमिली आपको कहाँ पे मिलेंगी? बस्तर सरगुजा एंड रायगढ़ डिवीजन पे, ठीक है, बस्तर सॉरी डिस्ट्रिक्ट में, बस्तर सरगुजा एंड रायगढ़, ठीक है। और ये जो बस्तर सरगुजा और रायगढ़ है, दिस थ्री डिस्ट्रिक्ट आर फेमस फॉर बैम्बू क्राफ्ट, वेरी फेमस फॉर बैम्बू क्राफ्ट, ठीक है। फर्दर आपको और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बैम्बू आर्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ है और बैम्बू म्यूजियम कहाँ है, ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बैम्बू आर्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड एट बस्तर, ठीक है, एंड बैम्बू म्यूजियम इज सिचुएटेड इज प्रपोज्ड एट धमतरी, बैम्बू म्यूजियम, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, म्यूजियम प्रपोज्ड नॉट मेड, प्रपोज्ड एट धमतरी इन रायपुर डिवीजन, ठीक है। फर्दर अब मैंने लास्ट आपको जब क्लास में बता रहा था कि सब चीज़ें, तो यहाँ आपको मैंने बताई थी कौन कौन से कम्युनिटी जो है ट्राइब जो है बैम्बू क्राफ्ट के ऊपर काम करता है और कौन कौन सी कम्युनिटी और क्या ट्राइब आपका बैम्बू यूटेंसिल्स बनाती है। तो बैम्बू क्राफ्ट यहाँ पे मैं एक बार फिर याद करा देता हूँ, बैम्बू क्राफ्ट जो है ये आपके चार ट्राइब करते हैं, ठीक है, और बैम्बू यूटेंसिल भी चार ट्राइब करते हैं, जिसमें तीन ट्राइब तो सिमिलर हैं बट एक ट्राइब दोनों में डिफरेंट है। तो सिमिलर ट्राइब पहले मैं तीनों लिख देता हूँ, कमार कंडरा धनवार, ये तीन ट्राइब आप याद कर लीजिए, कमार कंडरा धनवार, इसमें भी आप लिख लीजिए कमार कंडरा धनवार, ठीक। अब एक एक ट्राइब जो दोनों में अलग है वो क्या है, इसमें जो आपका क्राफ्ट है वो पहाड़ी कोरवा भी करते हैं और यूटेंसिल बिंजवार बनाते हैं, ठीक है। तो यहां प्लस पहाड़ी कोरवा और इसमें प्लस भिंजवार, ठीक है, तो आपको यही बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भिंजवार कहीं बैम्बू क्राफ्ट में पूछ दिया और आप टिक कर दिए तो गलत, और यही पहाड़ी कोरवा कहीं बैम्बू क्राफ्ट में पूछ दिया तो गलत हो जाएगा। तो क्राफ्ट में नहीं है क्या कोरवा और भिंजवार नहीं है, सॉरी बैम्बू यूटेंसिल है ना, यूटेंसिल ऐसी होती है गलती छोटी छोटी, यूटेंसिल का मतलब क्या होता है बर्तन, ठीक। फर्दर एक और क्वेश्चन पूछ देता है खुमरी पूछा हुआ है, खुमरी ये क्या है, अभूज माड़िया ट्राइब आप लोगों ने फोटो देखा होगा, इन लोग एक कैप पहनते हैं क्या, बैम्बू का कैप फार्मिंग करते टाइम, तो बैम्बू कैप वॉर्न बाय अभूज माड़ ट्राइब फार्मर्स वाइल वर्किंग इन फील्ड, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। खुरमी डायरेक्ट पूछ देगा व्हाट इज खुरमी रिलेटेड टू, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड टाइप ऑफ क्राफ्ट हमने पहला पढ़ा बैम्बू, सेकंड इज वुड क्राफ्ट, हमने वुड क्राफ्ट सब पढ़ रखे हैं, बस रिवीजन हो रहा है, सेमल हला अनाल गट्टा सेमल पिलर घोटुल पिलर डेथ पिलर और कोरकू सब हमने पढ़ा है ना, मेघनाथ पिलर सबका फोटो भी मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप देखिए वुड क्राफ्ट का मेन बेसिकली रॉ मटेरियल क्या होगा, वुड, ठीक, यहाँ लिखिए रॉ मटेरियल, ठीक है। फर्दर इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्किल की जरूरत होगी, तो स्किल तब ये बनेगा क्या, वुड क्राफ्ट। देखिए रॉ मटेरियल में अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्किल लगा तब ये बना क्या, वुडन क्राफ्ट। अब वुडन क्राफ्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ है, जैसे हमने बैम्बू क्राफ्ट सेंटर पढ़ा ना, हमने कहाँ पढ़ा, बस्तर में पढ़ा, तो वुडन क्राफ्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ इज एट बस्तर
सरगुजा एंड रायगढ़, ठीक है, तीनों जगह पे है। फर्दर वुमेन, सॉरी वुमेन बोल रहा हूँ यार, वुडन फेमस प्लेसेस फॉर वुडन क्राफ्ट कहाँ क्या है, बस्तर है मगर, ठीक है, अगर फेमस प्लेस बोल देंगे तो बस्तर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डिवाइड करते हैं इनको वुडन क्राफ्ट को चार टाइप की चीजों में, दैट इज घोटुल पिलर, ठीक है, सेकेंड यू कैन से सेमल पिलर, इसके आगा बहुत तीन चार बार हम मैं बता चुका हूँ सेमल पिलर के बारे में। फर्दर द थर्ड इज हनाल गट्टा, इन लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट क्लास या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इसको। फर्दर देयर लास्ट इज डेथ पिलर ऑफ कोरकू, डेथ DATH पिलर ऑफ कोरकू ड्राइव, ठीक है। देखिए अब घोटुल पिलर क्या है, इट इज अ टॉल पिलर, इट इज अ टॉल पिलर मेड, घोटुल किन का हॉस्टल है, यूथ हॉस्टल, तो बाय मुड़िया ट्राइब, वेर इसमें अब इसमें जो पिलर है इसमें क्या बना रहता है, तो एनिमल बना रहता है, बहुत सारे स्किल मैंने बताया ना तभी क्राफ्ट हुआ, एनिमल एरो बो ये सब बने रहेंगे, ठीक है। इसमें डांसिंग चैरियट भी क्राफ्ट किया रहता है, डांसिंग चैरियट, चैरियट बनाए रहते हैं, चैरियट, ठीक है। फर्दर द सेमल पिलर, अब सेमल पिलर क्या है, जो डंडारी डांस मैंने जब डांस पढ़ा रहा था आपको ट्राइबल, तो डंडारी डांस इसी के अगेंस्ट ऐसे किया, ये देखिए ऐसे गोल इसी के अगेंस्ट ऐसे डांस कर रहे थे लोग, यहाँ बीच में एक पिलर लगाया गया था मैंने बताया आपको, वही सेमल पिलर था। तो डंडारी डांस बाय कौन से ट्राइब करती, भतरा, भतरा ट्राइब, भतरा ट्राइब का बेसिक प्रोफेशन क्या है कमेंट में बताएंगे आप लोग। भतरा ट्राइब ऑन ओकेशन ऑफ, ऑन ओकेशन ऑफ होली, होली के टाइम पे, ठीक है। सेमल पिलर किस चीज का सिंबल है, सिंबल ऑफ विक्ट्री मैंने बताया था उस टाइम पे, सिंबल ऑफ विक्ट्री एज, ठीक है, विक्ट्री। फर्दर द नेक्स्ट वन इज, मैंने लास्ट क्लास में बताया था हनाल गट्टा डेथ पिलर ऑफ मड़िया ट्राइब, मुड़िया या माड़िया ट्राइब का डेथ पिलर है ये, ठीक है, डेथ पिलर। ये कब का लगाया जाता है, तो जत्रा पर्व के टाइम लगाया जाता है, नाइट के टाइम पे, ठीक है, जत्रा पर्व के टाइम, जत्रा पर्व नाइट टाइम याद रखना है आपको, नाइट टाइम, ठीक है। फर्दर द डेथ पिलर ऑफ कोरकू, मैंने जब आप लोगों को कोरकू ट्राइब के बारे में पढ़ा रहा था तो वुडन वुडन पिलर एक बताया था, मेघनाथ पिलर, मेघनाथ पिलर जो है, मेघनाथ को इन लोग पूजा करते हैं, इन लोग अपने आप को डिसेंट ऑफ रावण मानते हैं ना, कौन लोग, कोरकू लोग, तो यही मेघनाथ पिलर को इन लोग लगाते हैं, डेथ पिलर ऑफ कोरकू बोला जाता है, ठीक है। फर्दर द अंगा देव, एक हमने पढ़ा था कहाँ, अंगा देव नारायणपुर मेला में बनाते हैं लगा, के कौन है भगवान है, कौन है अंगा देव, अंगा देव कौन बनाता है इसको, मुड़िया ट्राइब बनाता है इनको वुड से, ठीक है, अंगा देव को कहाँ लगता है, नारायणपुर मेला पे, ठीक है। फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राफ्ट दैट, एक और चीज इसमें छूटा हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं जब वुडन क्राफ्ट, तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछे था कई बार, डिंगा गोटा, डिंगा गोटा क्या है, तो डिंगा गोटा कुछ नहीं है, एक टोबैको रखने का वुडन क्राफ्ट का चीज़ है जो अबूज माड़िया ट्राइब के लोग रखते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए कि क्वेश्चन में अगर रिवीजन करेंगे तो, वुडन क्राफ्ट प्रिवलेंट अमोंग द अबूज माड़िया ट्राइब, कौन से ट्राइब में पूछेगा सीधा डिंगा गोटा किस में प्रिवलेंट है ट्राइब, अभी क्या है पूछ दिया, तो इट इज दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज टू प्रिजर्व टोबैको एंड कैप्ट इट अराउंड वेस्ट, ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व टोबैको एंड कीप इट अराउंड वेस्ट, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ थर्ड टाइप ऑफ क्राफ्ट दैट इज क्ले क्राफ्ट, क्ले क्राफ्ट, ठीक है, क्ले 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 क्राफ्ट कौन करता है, कुम्हार, कुम्हार जो है लोग हैं उन लोग क्ले क्राफ्ट करते हैं। दिस इज द क्ले क्राफ्ट इज द मोस्ट एंशियंट क्राफ्ट ऑफ वर्ल्ड, 4000 ईयर ओल्ड क्राफ्ट है ये, ठीक है। टेराकोटा ऑफ बस्तर इज वेरी फेमस, टेराकोटा ऑफ बस्तर इज वेरी फेमस, ठीक है, किससे रिलेटेड होते, किससे रिलेटेड होते हैं ये सारे, किससे रिलेटेड होते हैं ये सारे के सारे, आपके लाइफ, नेचर, रिलीजन, ठीक है, सिंबल इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं। अब इसके चार मेजर सेंटर हैं, फोर मेजर सेंटर इसके, पहला है नगरनार, सेकंड इज आपका कौन सा, कुम्हारपारा, थर्ड इज नारायणपुर एंड फोर्थ इज एडिंगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज घड़वा आर्ट, घड़वा आर्ट ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 में भी घड़वा आर्ट, आप लोगों को डोकरा आर्ट दिखा होगा, G20 के अभी समिट हुई उस जगह पे भी था, किस डिवीजन से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ बस्तर, बस्तर डिवीजन,
किससे बनता है घड़वाहट? तो ब्रॉन्ज एलॉय, ब्रॉन्ज एलॉय, ठीक है। इसको कौन फेमस कौन क्यों है ये घड़वा नाम से? तो घड़वा कास्ट के लोग इसको बनाते हैं, घड़वा कास्ट फेमस फॉर मेकिंग इन बस्तर, फेमस ठीक है बस्तर में, ठीक है। अब किससे कौन सा मेथड होता है इसमें? वैक्स, ये वैक्स ड्रेनिंग मेथड होता है इसमें, कुछ इसमें वैक्स ड्रेनिंग मेथड से इसको बनाते हैं लोग, ठीक है। अब ये क्या होता है? ब्रास, ब्रॉन्ज एंड वैक्स कनेक्ट द ट्राइब टू बस्तर विथ देवलोक, ठीक है। ये बनता कैसे आपको मैं बताता हूँ। चलिए एक मिट्टी का पहले सांचा बना लेते हैं। चलिए ये सांचा बन गया मिट्टी का, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से एक होल रहेगा, इस जगह से मोल्टेन मोल्टेन वैक्स को इन लोग क्या डालते हैं? इसके अंदर डालते हैं। अब ये वैक्स जो है पूरा यहाँ जाके चिपक जाएगा, ठीक है। ये वैक्स पूरा जाके यहाँ चिपक जाएगा, तो ये एक पर्टिकुलर एक सांचा बन जाएगा वैक्स का, ठीक है। अब इसको ऊपर से मिट्टी को जो भी मिट्टी क्ले है उसको हटा देंगे, तो ये वैक्स के सांचा के अंदर हटाएंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे? मोल्टेन ये ब्रास और ब्रॉन्ज को डालेंगे अब, ठीक है। तो ये ब्रास और ब्रॉन्ज पूरा इसका शेप ले लेगा। अब जब ये शेप ले लेगा तो इसके बाद एंड पे इसको फिर आप पूरा का पूरा ऊपर से क्ले और वैक्स को दोनों को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब हटा देंगे तो हम लोग को प्रिपेयर्ड एक चीज़ मिलेगी, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, घड़वा आर्ट या फिर डोकरा आर्ट, डोकरा क्राफ्ट। आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, आई हैव कैप्ट हियर, देखिए ये है आपका बहुत सुंदर सा, ये देखिए यही डोकरा आर्ट है, इसको इन्होंने बनाया हुआ है, यही अभी प्रेजेंट किया गया है वहाँ पे, कहाँ पे आपका G20 समिट में। तो ये देख रहे कितना सुंदर क्राफ्ट है, तो ऐसा ही क्राफ्ट बनता है डोकरा क्राफ्ट, यहाँ से बनाया जाता है, ठीक है। तो डोकरा क्राफ्ट के बारे में आप लिख लीजिए, डोकरा क्राफ्ट, ये सबसे पहले ओनली ऑन कोंडागांव में बस बनाया जाता है, ठीक है। और इसके फेमस प्रोपोनेंट कौन है? तो जयदेव बघेल जी ऑफ रायगढ़ इज फेमस फॉर डोकरा आर्ट, ठीक है, फेमस फॉर डोकरा आर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पांचवा हम लोग को पढ़ना है वो लीफ क्राफ्ट, लीफ क्राफ्ट। अब लीफ क्राफ्ट क्या होता है? जो आपका झाड़ू होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें सूखे पत्ते से बनती हैं इनको बोलते हैं लीफ क्राफ्ट। ये फेमस कहाँ कहाँ पे है? तो रायगढ़, बस्तर, सरगुजा एंड राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव। फर्दर आइटम, जो आइटम्स पर्टिकुलर आइटम्स लाइक ब्रूम, मैट्स, टॉय एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, ठीक है। इन पर्टिकुलर चीज़ों को हम लीव क्राफ्ट में रखते हैं, एंड इट इज़ नॉट ओनली द क्राफ्ट बट अ स्टाइल ऑफ मेकिंग यूजफुल आइटम, ठीक है। इसीलिए क्राफ्ट नहीं है कि बस सुंदरता के लिए, बट ये अलग अलग चीज़ें यूजफुल चीज़ें भी बनाई जाती हैं इसमें, ठीक है। एंड द बेसिक इंपॉर्टेंट ट्राइब विच मेक मैनी ट्राई मेक दिस, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ ब्रूम जो बनाया जाता है ना, छिंद की जो बोलते हैं ना, छिंद की जो झाड़ू होता है या जो बोल सकते हैं आप ब्रूम होता है, वो कौन बनाता है? तो परधी ट्राइब, परधी ट्राइब हम मैंने पढ़ाया था आपको, कहाँ परधी ट्राइब, हंटर ट्राइब मैंने पढ़ाया था एक, तो यही ट्राइब जो है परधी ट्राइब बनाती है क्या? छिंद की झाड़ू। तो इसको हम लिख लेते हैं कि आइटम लाइक ब्रूम, मैट्स, टॉयज एक्सेट्रा आर मेड From different leaves, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? It is not only craft, सिर्फ सजावट की चीज नहीं है, but also a style of making useful items, ठीक है, useful items. Further, a tribe named Pardhi that I have told you is a hunter tribe. ठीक है, ट्राइब मेक्स ब्रूम आउट ऑफ छिंद लीफ, ठीक है। फर्दर दो एक और क्राफ्ट है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट झारा क्राफ्ट, ठीक है। इट इज अ वेरी फेमस क्राफ्ट ऑफ रायगढ़, ठीक है। फर्दर सेवेंथ आपको आखिरी एक बता देता हूँ मैं, मल्हार क्राफ्ट, ये आखिरी क्राफ्ट है आज का, फिर द क्लास विल एंड टुडे। मल्हार क्राफ्ट फेमस इन सरगुजा बाय मल्हार ट्राइब, इतना बस पता होना चाहिए आपको, सरगुजा का फेमस है ये सरगुजा, ठीक है। और मल्हार ट्राइब जो ये है कौन बनाता है? मल्हार ट्राइब बनाती है, ठीक है, मल्हार ट्राइब। सो गाइज वी हैव डेल्ट विद ऑल द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोक क्राफ्ट ऑल्सो, सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग टू द क्लासेस।